इस कहानी के शुरू में हम एक कपल से मिलते हैं। ये दोनों कुछ ही देर पहले अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ये घर काफी ज्यादा पुराना था और इसका पुराना ओनर कुछ सामान इसी घर में छोड़ गया था। रॉब देखता है कि सामने एक पुराना सा फ्रिज पड़ा है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी अभी भी ऑन है। ये फ्रिज काफी ज्यादा पुराना था। वो पीने के लिए उससे एक बर्फ का टुकड़ा लेता है और कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है इस बर्फ के टुकड़े में कुछ तो अजीब है। उसकी पत्नी देखती है, ये तो एक कंकाल है। पर कमाल की बात तो ये थी कि इस तरीके के जानवर उस समय पाए जाते थे जब इस धरती की बस शुरुआत हुई थी। अब गेल जल्दी से अपने फ्रीजर को खोलती है। इन्हें रियलाइज होता है कि इनके फ्रिज के अंदर एक पूरी दुनिया बसी है। ये दुनिया काफी छोटी और काफी सुंदर थी और इस दुनिया में समय काफी तेजी से गुजरता था। रॉब और गेल को ये सब देखकर ऐसा एहसास होता है जैसे ये सब कुछ काफी समय पहले का नजारा है और इनका सोचना एकदम सही था। इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अभी जल्दी से उस कंकाल को मिट्टी में दफना देते हैं। ये सब कुछ काफी अमेजिंग और काफी अजीब भी था। अब कुछ ही पलों में इन्हें रियलाइज होता है कि समय तो और भी तेजी से गुजर गया। इस छोटी सी दुनिया में काफी विकास हो गया। कुछ ही देर में ये दुनिया एकदम मॉडर्न हो गई, ठीक वैसी जैसे अभी है। इस दुनिया के छोटे छोटे लोग इन दोनों को देख पाते थे। उन्हें ऐसा लगता था इन दोनों के पास कोई काम नहीं है, ये सारा समय बस इन्हें देखते रहते हैं। इस छोटी सी दुनिया में समय बहुत ही तेजी से गुजर रहा था। पर अचानक से एक हमला होता है और वॉर शुरू होती है। इसका धमाका इतना तेज था जिसकी गर्मी से रॉब को भी दिक्कत होती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इस छोटी सी दुनिया का अंत हो गया। ये जंग बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रही थी और ये सब देखना काफी ज्यादा सैड था। गेल रॉब से कहती है कि कुछ देर हमें रेस्ट करना चाहिए, क्या पता तब तक जंग खत्म हो जाए। इसलिए कुछ देर ये आराम करते हैं और आराम के बाद ये फिर से फ्रिज को खोलते हैं। ये देखते हैं कि इंसानों ने फिर से काफी तरक्की कर ली है। इन्होंने काफी बड़ी सी बिल्डिंग्स बना ली और इस दुनिया में सब कुछ काफी इंटेलिजेंट है। कुछ ही समय में सारी बिल्डिंग्स एक ही बिल्डिंग में बदल जाती है और देखते ही देखते वो सारी बिल्डिंग एक छोटी सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इन दोनों को रियलाइज होता है कि दुनिया शायद हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये देखकर रॉब फ्रिज की सप्लाई को बंद कर देता है। ये दिन काफी सरप्राइजिंग था और फिर से एक नए दिन की शुरुआत होती है। इन दोनों के हिसाब से वो दुनिया खत्म हो गई थी क्योंकि इन दोनों ने उसकी सप्लाई बंद कर दी थी। पर ये फ्रिज खोल कर देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया तो फिर से शुरू हो गई थी। इसमें डायनासोर्स थे और आदि मानव थे, यानी वो साइकिल फिर से रिपीट होने वाली थी। तो शायद इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे दुनिया शुरू होती है और एक समय के बाद उसका अंत हो जाता है और कैसे ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। तो इसी के साथ इस छोटी सी कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।